मध्य प्रदेश के भोपाल में फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज के सेट पर पहुंचकर खूब हंगामा किया है। उन्होंने वेब सीरीज की यूनिट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। उसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रकाश झा पर स्याही भी फेंक दी है। दरअसल आश्रम 3 की शूटिंग भोपाल के अरेरा हिल्स में पुरानी जेल में चल रही थी। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर खूब हंगामा किया है। उन्होंने जेल परिसर के भीतर जाकर वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनकी वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। इस मामले में टीम के 4 से 5 कर्मचारियों को चोट भी लगी है। खबरों के मुताबिक मीडिया कर्मियों के साथ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। इस घटना की खबर मिलते ही भोपाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। भोपाल के DIG इरशाद वली ने बताया कि उपद्रवी तत्वों को जेल परिसर से बाहर किया गया है और इन लोगों की पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आश्रम 3 के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर वेब सीरीज का नाम नहीं बदला गया तो वो भोपाल में शूटिंग होने नहीं देंगे। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान सेट पर एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे। ये भी बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान प्रकाश झा और बॉबी देओल यूनिटी वैन के भीतर ही बैठे हुए थे। आश्रम बनाई, आश्रम 2 बनाई, ये आश्रम 3 की शूटिंग यहाँ का। आश्रम में पार्ट 1 में पार्ट 2 में जो दिखाया है, क्या वाकई आश्रम में यही होता है? आश्रम में इतने दिखाया प्रकाश झा ने कि जो आश्रम के गुरु होते हैं वो महिलाओं का शोषण करते, क्या आश्रम में वाकई ये होता? क्या भारत के अंदर जब फिल्में भी नहीं बनी होंगी, जब प्रकाश झा के बाप दादा भी धरती पे नहीं आए होंगे, तब से ये सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था चल रही है? क्या इसमें हिम्मत है कि किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की फिल्म नाम पर फिल्म बनाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाप की बपोती है क्या आश्रम? इसे ठेके पे लिया है क्या समाज को कि आश्रम नाम दे करके, और आश्रम में इस प्रकार के गंदे कृत्य होते हैं? आश्रम में जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो निर्माण होता है समाज का, वो नहीं दिखाया? आश्रम में बता रहा है कि महिलाओं का शोषण होता है, उसके पति को नपुंसक कर दिया जाता है। इस प्रकार की गंदी और किन्होंने तरीके के कृत्य वो अपनी मूवी में दिखा रहा है, और भोपाल की धरती पर आकर के वो अपनी फिल्म बना लेगा। बजरंग दल चैलेंज कर रहा है, इस फिल्म को बनने नहीं देंगे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह काला खड़ा है, बाबी देओल को ढूंढ रहा है। अपने भाई से सीखे कुछ, बड़े भाई से, कि उसने देशभक्ति की पिक्चर बनाई है।